हाई ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन गाइडेंस बाय रेनू। मेरा नाम रेनू है और मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। आज वाली रीडिंग है कल के लिए, जुलाई 31 के लिए। और मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू हु इज सेलिब्रेटिंग जुलाई 31 एज अ बर्थडे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग ओवरऑल एनर्जी से। सो इस दिन जुलाई 31 को कौन सी ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है, उसके लिए है ये कार्ड मेरे पास, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स का। आप अपने आप में ही इंजॉय करने वाले हो ये दिन, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाले हो, अपने आप अकेले में टाइम गुजारने वाले हो आप, और नेचर में वॉक पे या कहीं पे घूमने जा सकते हो आप, अपने पेट्स के साथ आप जो है टाइम स्पेंड कर रहे हो, नेचर में बैठे हुए, जो भी है आपके पास जो है उससे खुश हो आप, तो अपने आप को बड़ा अबंडेंट फील कर रहे हो, अपना कंटेंट फील कर रहे हो। सो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, सब नहीं ये फीलिंग ले पाते हैं, इंजॉय कर पाते हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में हो, तो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और ब्रेक ले रहे हो जो भी आपकी रोज की रूटीन होती है कि आप काम काम करते हो, उससे आप ब्रेक ले रहे हो आज, इंजॉइंग व्हाट यू हैव, सन में जा रहे हो या आउटसाइड वॉक पे जा रहे हो। सो वेरी 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 ब्यूटीफुल डे जो 31 जुलाई का है। सो ओवरऑल एनर्जी ये बनी हुई है। तो अगर आपको लगे कि हाँ रूटीन में काम करके बोर फील कर रहे हो, सो टेक अ ब्रेक, इंजॉय दैट एनर्जी, इट इज़ अवेलेबल। ठीक है, ये अवेलेबल है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा इसके लिए। सो तो हेल्थ में चलते हैं। हेल्थ के लिए जो है जस्टिस का कार्ड है हेल्थ के लिए, कि बैलेंस बना के रखना होगा आपको आज, जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप बहुत बिजी हो तो प्लीज उससे ब्रेक लीजिए। ठीक है, तो बैलेंस बना के रखिए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, तो ये नहीं है कि सारा दिन आप काम ही करे जाएं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि उनके हाथ में जो है स्वॉर्ड है, तो अगर आपको जो है नेगेटिव एनर्जी आपको ओवरटेक कर रही है या स्ट्रेस फील कर रहे हो किसी भी इशू की वजह से, लाइफ की किसी भी किसी बात की जो आपको बॉदर कर रही है, तो वो प्लीज़ जो है माइंडफुल होके उसको, थॉट्स को स्विच करो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ताकि वो बैलेंस बना रहे आपका जो लाइफ का, और हेल्थ में जो है आपकी जो है हेल्थ को अफेक्ट ना करे जो है भी नेगेटिव थॉट्स। अगर सो नेगेटिव थॉट्स अगर आपके आ रही हैं तो उनको प्लीज़ माइंडफुली उनको चेंज करो, स्विच करो नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ताकि वो ये से एनर्जी को भी आप इंजॉय कर सको और अपनी हेल्थ का भी जो है ध्यान रख सको। सो ब्रेक लो, बाहर जाओ, ठीक है, वॉक पे जाओ, नेचर में जाओ, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, नेगेटिव थॉट्स में मत जाओ। मेरे को ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है कि आपको नेगेटिव थॉट्स जो हैं आती हैं, जिसकी वजह से जो है हेल्थ भी आपकी जो है अफेक्ट होती है, तो ये प्लीज़ आपने बैलेंस बना के रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट जो है करियर फाइनेंस की तरफ। एट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल सडन चेंज होता है, और ये चेंज मेरे को पॉजिटिव लग रहा है, और ये कोई मैसेज भी हो सकता है, दूर से आपको कोई मैसेज आ रहा है आपको किसी जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए, बहुत पॉजिटिव जो है मैसेज आ रहा है आपको। ये बहुत मैटर करता है, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट अपने सेल करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा वो है कि उनको जो है बिग हैप्पी चेंज देखने को मिलेगी अपने जॉब प्लेस, अपने वर्क प्लेस पे। एट ऑफ वांड्स बड़ी क्विक और सडन एनर्जी होती है ये, और जो मैसेजेस होते हैं आपको वो बड़े क्विक आते हैं और दूर से आते हैं, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से, जब आप ऑनलाइन काम करते हो तो वहाँ से कहीं से भी आपको मैसेजेस आ सकते हैं, पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव मैसेजेस आर एट योर वर्क प्लेस। तो ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है आपके करियर के लिए 31 जुलाई के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट जो है आपका रिलेशनशिप की तरफ। एट अगेन, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ स्ट्रेंथ, सॉरी एट, इट्स अ स्ट्रेंथ कार्ड। सो मेजर अरकाना कार्ड्स हैं आज,
और एट थ्री मेरे पास एट है, एट जो है अबंडेंस का होता है, कार्मिक साइकिल का नंबर होता है ये। लव एंड रिलेशन में मेरे को लग रहा है जहाँ पे भी आपने बहुत सारा काम किया था इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं आपने, ऐसा लगता है कि सारा काम शायद आपने अकेले ने ही किया है, क्योंकि लव एंड रिलेशन दोनों में से कहीं पर भी टू ऑफ कप्स या लवर्स या कुछ ऐसी लव एनर्जी नहीं देखने को मिल रही है मेरे को। तो मेरे को लगता है कि ये आपने अकेले ने बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड वर्क किया है, तो शायद आप सोचते हो कि मेरे को क्या मिला ना इस इतना हार्ड वर्क करने की वजह से, जो है मैंने इतनी एफर्ट्स डाली हैं इमोशनली मेंटली फिजिकली, मैंने इतने एफर्ट्स डाली हैं इसमें, तो मेरे को यहाँ से क्या मिला है। तो ये जो है यहाँ पर मेरे को लगता है एंजल का ये मैसेज है, आप देख रहे हो यहाँ पर एंजल साइन बना हुआ है लेडी के हेड पे, तो ये एक तरह का मैसेज है कि आपको जो है इस जो आपने इतना काम किया, इतनी एफर्ट्स डाली हैं, अपने पॉजिटिव एनर्जी डाली है इस रिलेशनशिप में, उससे आप इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको मिली है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग बन गए हो। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा पेन झेली है इस रिलेशनशिप में, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग निकल आए हो। देखो वो लाइन को हैंडल कर रही है, तो सोचो कि लेडी में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी स्ट्रांग है वो जो लॉइन को हैंडल कर रही है। तो अगर आप सोचते हो कि आपने कुछ गवा दिया है, जो एट आपको मैंने पहले ही बोला कि कार्मिक नंबर होता है, तो अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी पॉजिटिव बहुत अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, तो यहाँ पे है कि आपको ये स्ट्रेंथ मिली है, भगवान ने आपको वो स्ट्रेंथ दी है इस पेन को हैंडल करने के लिए, इस पेन को इस पेन से बाहर निकलने के लिए, और आपको स्ट्रांग बनाया है बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप से। सो ये है आपका कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करोगे, तो अगर आपको कोई फियर था किसी चीज़ के बारे में तो उससे आप ओवरकम कर रहे हो आज। तो लव एंड रिलेशनशिप में अगर आपको कुछ कुछ फियर को फेस कर रहे थे आप, अपनी पेन को लेके, हेल्थ को लेके, या रिलेशनशिप या कम्युनिकेशन किसी भी चीज़ को लेके, जो अगर आप उस फियर से जो है आप ख़त्म हो रहा है आपका, वो आप फियर से जो है बाहर निकल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो आगे से। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट कार्ड होता है आपका स्पिरिचुअलिटी का। सो स्पिरिचुअलिटी में है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स और द हायरोफैंट। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन किसी सिचुएशन से, किसी नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव पर्सन से जो है आप दूर जा रहे हो, ठीक है, वहाँ से निकल रहे हो उस सिचुएशन से, या सोच रहे हो निकलने का, वहाँ से आप दूर जा रहे हो, मूव कर रहे हो अवे, और जो आपकी स्पिरिचुअलिटी में बहुत हेल्प करने वाला है। तो हायरोफैंट का है कि आप कमिटेड होने वाले हो इस स्पिरिचुअलिटी के, सोल जर्नी जो आपको आप जो भगवान ने आपको चुना है जिस पर्पस के लिए, तो यहाँ पे ये कार्ड है कि आप सोच रहे हो या जा रहे हो उस नेगेटिव एनर्जी से निकल रहे हो, आप फुली डेडिकेटेड होने वाले हो अपनी सोल जर्नी के लिए। किसी हो सकता है कि किसी गुरु के गुरु से आप वो लेना चाहते हो, कहते हैं ना दीक्षा लेना चाहते हो या सीखना चाहते हो इस सोल जर्नी में, लेकिन आप डेफिनेटली कमिटेड होने वाले हो इस सोल जर्नी के लिए सून, या जस्ट मेंटली आपके ये चल रहा है थॉट कि मेरे को यहाँ से निकल के जो है यहाँ पे अपना सोल पर्पस जो है सर्व करना है। आप अदरवाइज ही मेंटली जो है इमोशनली फील कर रहे हो इस सोल पर्पस को अपने को, और कमिटेड होने वाले हो अपनी सोल जर्नी के लिए। तो यहाँ पे जो है कहते हैं कि नहीं पहले आप अपने आप को कमिटेड फील करोगे, तभी आप यहाँ से जो है निकल पाओगे। तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। हो सकता है कि आप कुछ सीख रहे हों, स्पिरिचुअल कोर्सेज कर रहे हों, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, एंजल आंसर कार्ड मैं रिवील करने वाली हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो लेट्स सी। सो इम्प्रूविंग हेल्थ, सो डेफिनेटली जो है आप जो है आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। तो मेरे को लगता है जो सोल जर्नी पे हैं उनकी हो सकता है कुंडली भी अवेकन हो रही है, यहाँ पे कुंडली जैसा साइन बना हुआ है। तो डेफिनेटली आप आज के दिन जो है अपनी इम्प्रूवमेंट देखोगे हेल्थ में। तो अगर आप वो रिसेंटली ठीक नहीं थे, आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो आप आज
उसमें इंजॉय कर सकते हो. दैट्स वाई आई थिंक ये आप इंजॉय कर पा रहे हो इस मूवमेंट को, प्रेजेंट मूवमेंट में, क्योंकि आपकी हेल्थ जो है पहले से बेहतर है, पहले से इम्प्रूव हो चुकी है. सो नेक्स्ट है एंजल गाइडेंस कार्ड, इनोसेंस, बिलव्ड वन, एवरीवन इज गिल्टलेस इन ट्रुथ एज नो वन कैन ऑर्डर गॉड्स हैंडीवर्क ऑफ परफेक्शन. गिव अस योर फीलिंग्स ऑफ हैवीनेस सो वी कैन लाइटन योर लोड. गिव अस एनी guilt, anger or blame that you may shroud your loving outlook. Enjoy the peace within your heart once more. Again, जैसे आपको भारीपन या स्ट्रेस लगता है, जिसकी वजह से मैंने बोला कि आपकी हेल्थ भी शायद वो हो रही थी, वो जो है आपका जो है बैलेंस बनाने की जरूरत है हेल्थ में. हेल्थ ऑलरेडी आपकी इम्प्रूव हो रही है, ये मोमेंट इंजॉय करें, प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है ना. उस तो ये जो है सारा बैगेज जो है, या गिल्ट है, एंगर है, फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो प्लीज़ जो है एंजल एंजल को सरेंडर कर दें, उसमें फंसे मत रहें, ताकि आपकी हेल्थ दोबारा से जो है ना. तो मैं प्रे करती हूँ कि हालत आपकी ठीक ही रहे. तो प्लीज़ इस एनर्जी को एंजॉय करें, नाइन ऑफ पेंटिकल्स जो एनर्जी बनी हुई है. लास्ट मैं हिडन ट्रूथ निकालती हूँ, लेट्स सी 31 जुलाई के लिए. Your old knowledge doesn't fit the present anymore. Yeah, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो शायद जो old beliefs हैं आपके, ऐसा करना था, ऐसा होना था, ऐसा, so वो चीज़ें जो हैं अब present moment में fit नहीं हो रही हैं. तो इस बात का ध्यान रखो, इसीलिए जो है आपकी जो है ये आपका जो है stress बना हुआ है, ये चीज़ें आपको stress दे रही हैं, क्योंकि आप पुरानी चीज़ों को आप आज के टाइम में उसको उनको फिट करना चाहते हो, जो पॉसिबल नहीं है. तो चेंज ही कांस्टेंट है, तो आप शायद चेंज से डर रहे हो, इसी वजह से जो है आप पुराने बिलीव्स को, अपने पुराने आइडियाज़ को पकड़ के बैठे हो, तो उस वजह से शायद आपको जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल बना हुआ है. सो प्लीज़ अपना ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. सो थैंक यू सो मच फॉर, मिलते हैं हम लोग कल. बाय बाय फॉर नाउ.